यदि आप स्नातक प्रथम खंड के कैंडिडेट हैं, आपका रिजल्ट आया और उसमें एब्सेंट कर दिया है, तो आप यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? किन-किन चीज़ों को लिखना आवश्यक है और कितना बड़ा एप्लीकेशन लिखना आवश्यक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके जरूर रखिएगा। देखिए, एप्लीकेशन जितना शॉर्ट और सटीक रहता है ना, उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी होता है, उनके पास उतना समय नहीं रहता है कि आपके रामायण कहानी को सुने या पढ़े। तो जो बात आपको लगता है वो साफ साफ लिख दीजिए। तो इसमें आप लोगों को देखिए, आपका रिजल्ट आया है और किसी सब्जेक्ट में एबसेंट कर दिया है, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या थ्योरी का हो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज तो लिखना ही पड़ेगा, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, ठीक है? क्योंकि अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय ही है वहां पे, आनंद मोहन मिश्रा जी, तो उनके नाम से ही लिखना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। विषय में आप लोगों को लिखना है स्नातक प्रथम खंड के एबसेंट रिजल्ट सुधार करने के संबंध में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद महाशय, जो कि महाशय ही है अभी, इसीलिए निवेदन यह है कि स्नातक प्रथम खंड सत्र 2000 इतना जो आपका सत्र होगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो अभी तो अधिकतर होगा 20 से 23 वाला, तो 20 से 23 यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दीजिएगा, ठीक है? और छात्रा हूँ या छात्र हूँ ये आप लोग को लिखना है। मुझे किसी कारणवश विषय, आपको जिस भी विषय में एबसेंट कर दिया है, ठीक है? अगर आप लोगों को प्रतिष्ठा में क्या है तो विषय आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, प्रतिष्ठा 1 2 ये आप लिख सकते हैं। सब्सिडरी में लिखा है तो सब्सिडरी और सब्सिडरी का नाम लिख दीजिएगा। कंपोजिशन में होगा तो कंपोजिशन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं एब्सेंट कर दिया। अगर प्रैक्टिकल रहता तो प्रैक्टिकल मेंशन आप लोग कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट किया है, एक से अधिक में एब्सेंट किया है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? इसका प्रमाण भी मेरे एडमिट कार्ड पर मौजूद है, ये आप लोगों को अवश्य लिखना है। आप के एडमिट कार्ड पर तो होगा ही, कॉपी नंबर, आपने एग्जाम दिए थे, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, सब कुछ तो रहता ही है। मुझे अपने रिजल्ट की आवश्यकता है या अधिक आवश्यकता है ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है? अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे परीक्षा परिणाम को सुधार कर पुनः प्रकाशित करने की कृपा करें। इतना आप लोगों को लिखना है जिससे कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है आपका विश्वासी छात्र या छात्रा। इसके बाद अपना नाम, क्रमांक, सत्र अपना लिख दीजिएगा, कौन से पार्ट में है, और स्ट्रीम जो भी है आप लिख लीजिएगा, BA Part 1, BSc Part 2, Part 1, BCom Part 1, इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। और आप इसके साथ आप संलग्न क्या क्या चीज करिएगा, देखिए अभी विश्वविद्यालय में इसको लेकर के आपको एक अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति लेकर के जाना है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर कॉपी नंबर लिखा है तब आपको एडमिट कार्ड और जो आपको रिजल्ट जारी किया गया है ना, तो वो निकाल करके आपको लेकर के चला जाना है। अगर आप अपने कॉपी नंबर नहीं लिख अगर आप एडमिट कार्ड पर अपने कॉपी नंबर को नहीं लिखे हैं तो कॉलेज से मेमो निकलवा लीजिएगा, जहाँ पे आपने उस पेपर का एग्जाम दिए थे वहां पे निकलवा करके आप यूनिवर्सिटी में जा करके अपना ये सभी डॉक्यूमेंट लगा करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है? अब आप लोग कहेंगे कितने दिन में सुधार हो जाएगा, तो इसकी कोई फिक्स तिथि नहीं है, ठीक है? आप दीजिएगा तो हो सकता है कि 5 दिनों में भी हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीना में भी हो जाए, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। तो जितना आप एक्टिव रहिएगा उतना जल्दी आपका रिजल्ट सुधार हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप लोग सही से देख लीजिए एप्लीकेशन को।